हेलो टू ऑल, वेलकम टू यू टू स्टडी चैनल। आज की जो वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, मतलब सॉइल्स के जो टाइप्स होते हैं उस पर आधारित है। दिस इज़ स्पेशली फॉर नबार्ड, लेकिन ये जो वीडियो है ये बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आप अटेम्प्ट करते हो, यूपीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल के बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हो गए, उसके जीके पार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कभी ना कभी चार पांच सवाल तो आ ही जाते हैं, चाहे वो टाइप्स ऑफ सॉइल हो या फिर दिस क्रॉप इज़ फाउंड इन विच काइंड ऑफ सॉइल, इस तरह से कुछ ना कुछ सवाल बनता है। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने से पहले ये पता कर लें कि किसने ये चीज़ डिसाइड कर दी है कि भाई सॉइल को आप इन इन टाइप्स में कैटेगराइज कर दो, या इतने इतने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, नाम किसने रख दिया, हु डिसाइडेड दिस। तो ये डिसाइड करती है इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में आईकार कहते हैं, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि नई दिल्ली में बेस्ड है। ठीक है, ये क्या करती है, ये इसने क्या किया हुआ है, इंडियन सॉइल्स को 8 मेनली ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को। और ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मेनली जो इंडियन सॉइल्स हैं उसको 4 ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो मेन 4 ब्रॉड टाइप्स हैं उसको हम लोग आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला है रेगर और ब्लैक सॉइल। तो हिंदी में जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, काली मिट्टी है। और ये क्या होता है, दिस इज मेनली फॉर्म बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी होती है उसमें से क्या होता है, लावा निकलता है। और लावा क्या होता है, लावा निकलने के बाद जमा होकर के जब ठंडा हो जाता है, उसके बाद में ये सॉइल, ये डिपोजिशन होते जाता है, और उसके बाद में जो सॉइल वहां पर बनती है दैट इज इन ब्लैक कलर। इसकी वजह से इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, मतलब कलर से आपको पता चल जाना चाहिए कि ब्लैक है, दैट इज ब्लैक सॉइल। और ये क्या होता है, ये एक प्लेट्यू फॉर्म करता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू जो बना हुआ है, दैट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये मेनली जो पेनिनसुलर रीजन है, जो आप महाराष्ट्र की बात करें, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, और वो क्या है, वो ब्लैक सॉइल है। और नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू जो कि पूरी तरह से लावा से बना हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, गोदावरी में, कृष्णा वैली में। मेनली ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ब्लैक सॉइल बेस्ट होता है कॉटन के लिए। और भी बाकी क्रॉप्स जो हैं ब्लैक सॉइल पर उगाए जा सकते हैं, वो है ज्वार, वीट, शुगर केन, लिनसीड। लिनसीड होता है एक अलसी का बीज जिससे कि तेल निकाला जाता है, और ग्राम फ्रूट्स, और क्या है, बाकी के वेजिटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं हिंदी में, दोमट कहते हैं, या फिर जलोढ़ मिट्टी। ये मेनली बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, जो नदियां होती हैं वो बहुत कई जगह से बहती हुई आती हैं और फिर क्या करती हैं, डिपोजिट कर देती हैं नदियों के किनारे में जो मिट्टी होती है, दैट इज एलुवियल सॉइल। और ये बेस्ट होता है, ये वन ऑफ द फर्टाइल सॉइल, जो बेस्ट जो फर्टाइल फर्टिलिटी जिसकी होती है वो होती है एलुवियल सॉइल। तो भारत में क्या है, 40% ऑफ लैंड एरिया जो है, मतलब 40%, बहुत अच्छा खासा ये क्या बोलना चाहिए एरिया है, ये एलुवियल सॉइल पर, मतलब एलुवियल सॉइल है पूरी तरह से। और एंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो है वो भी क्या है, एलुवियल सॉइल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेट हिमालयन रिवर्स जो 12 महीना बहती है, कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये इसकी वजह से जो एलुवियल सॉइल है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा है, और ये एरिया इसीलिए अच्छी होती हैं खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए, सीरियल्स के लिए, कॉटन्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, शुगर केन के लिए। और क्या होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहाँ पर जूट कल्टीवेशन बेस्ट होता है, क्योंकि जूट को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, प्लस उसको फर्टाइल सॉइल भी बहुत अच्छे से चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की फर्टिलिटी होनी चाहिए सॉइल की जूट के लिए। ठीक है, तो ये आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ईस्टर्न कोस्टन प्लेन्स हो गया,
डेल्टास ऑफ महानदी, जहाँ जहाँ पर, अब डेल्टास क्या होता है, ठीक है, डेल्टास ये होता है कि जब नदी बहती है, कहीं नदी बह रही है और बहते हुए जब दो नदियाँ जो है उनका जो माउथ जो होता है नदी का, जो जाकर के समुद्र पे खुलती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो दो नदियों के बीच में जो जगह रह जाती है उस एरिया को हम कहते हैं डेल्टा, वो डेल्टा बना लेती है। और वो जो डेल्टा होता है वो वेरी फाइन और वेरी फर्टाइल एरिया होता है डेल्टा, ठीक है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा। तो ये सुंदरबन डेल्टा को आपको पता होगा कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो उसी तरह से डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पर भी आपको एलुवियल सॉयल मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रेड सॉयल्स। रेड सॉयल्स जैसे कि लिखा हुआ है लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी जो है ये मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड, क्ले यानी कि मिट्टी, जो मिट्टी होती है सिंपल, और रेत, इसके मिश्रण से बनता है। और कैसे बोलना चाहिए कि जो इस क्वालिटी के जो रॉक्स होते हैं, मतलब जो चट्टाने होती हैं उनकी जो वीदरिंग होती है यानी कि टूटती है, तब जा करके रेड सॉइल्स बनती है। और ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर आपको मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल मिलता है ना, जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ बारिश होती है वहाँ पर मिलती है। जो पुराने इग्नियस रॉक्स होते हैं उनके टूटने से रेड सॉइल्स बनता है। अच्छा, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों हुआ भाई, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, FeO, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको भी याद कर लेना, एग्जाम्स में ऐसा भी पूछ देते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो जैसे कि आपने क्या है, आपने कभी पढ़ा होगा या डॉक्टर्स आपको क्या आयरन की टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं, क्यों, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, कि उसको पूरा किया जा सके। व्हाट इज़ द कलर, बिकॉज व्हाट व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन को बनाता है कौन, क्या बनाता है, आयरन बनाता है। तो सेम थिंग कि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये जो मिट्टी है ये लाल रंग की है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें आपको फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरिक एसिड, और बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर है या फिर नाइट्रोजिनस मटेरियल है, इसकी इनकी कमी पाई जाती है रेड सॉइल्स में। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में, ओडिशा में, ईस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, और कहाँ पर, तेलंगाना में, वैसी छत्तीसगढ़ के आसपास का ही एरिया जो तेलंगाना से लगता हुआ है, नीलगिरीज के आसपास, और तमिलनाडु प्लेट्यू, प्लस कोंकण कोस्ट, जो महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट वाला एरिया है वेस्टर्न पार्ट में जो पड़ता है, आपने देखा होगा मैप में, उस एरिया में भी रेड सॉइल पाया जाता है, ठीक है। और ये किन किन क्रॉप्स के लिए बेटर है, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है वीट, राइस, मिलेट्स, जिसको कहते हैं बाजरा, और पल्सेस, फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल क्या होता है कि ये इसकी एक ये क्वालिटी होती है, इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये सूखा होता है, शुष्क होता है। और लैटराइट सॉइल जो है हाई टेम्परेचर एरिया में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से एरिया है अगर उनकी बात की जाए, तो होता है कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स में, ओडिशा में, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के ही कुछ छोटे हिस्सों में, प्लस नॉर्थ और मेघालय के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में अगर बात की जाए, तो मेघालय के कुछ एरिया में लैटराइट सॉइल पाए जाते हैं। इसका भी कलर क्या होता है, रेड होता है। तो भाई रेड कलर, अब अगेन क्यों है रेड कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और इसमें भी आपको नाइट्रोजन और लाइम की कमी मिलेगी, ठीक है। और क्रॉप्स की अगर हम बात करें, अगर क्रॉप्स की हम बात करें तो क्या है, दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें क्या है, हाई एसिडिक नेचर होता है इसका, क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो है यहाँ पर ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो ड्राइनेस है, और बहुत ज़्यादा ड्राई है इसका मतलब क्या है, मिट्टी मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है, सूखा पड़ जाता है। तो भाई किसी भी अनाज को उगने के लिए मॉइस्चर तो चाहिए, पानी तो चाहिए, बिना पानी के तो उग ही नहीं सकता। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये क्या करता है, इट इज़ नॉट एबल टू रिटेन मॉइस्चर। नेक्स्ट आता है एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। अब नाम से ही पता है कि जिधर मरुस्थल है उधर ये मिट्टी है, ठीक है। दीज आर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट अरावलीज इन राजस्थान, राजस्थान में जो अरावली रेंजेस ऑफ माउंटेन है,
वहाँ पर कुछ पार्ट्स इससे लगता हुआ अगर कुछ बात करें तो जैसे हरियाणा का रीजन हो गया, पंजाब हो गया और गुजरात के कुछ हिस्सों में ये डेजर्ट सॉइल पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता होती है फोस्फेट की, कैल्शियम की, और इसमें कमी पाई जाती है किन चीज़ों की, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की। मतलब ये भी नॉट एट ऑल वेरी गुड फॉर यू नो कल्टीवेशन क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के लिए कुछ खास नहीं है ये, क्योंकि जैसा कि मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि आपको एनपीके जो है नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस ये क्वालिटीज़, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसी भी मिट्टी में अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस है। तो इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं, तो कुछ खास तो नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वीट बास्केट ऑफ राजस्थान कहते हैं गंगानगर एरिया ऑफ राजस्थान को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, एंड सो दैट वॉज ऑल। अगर रबी और खरीफ क्रॉप की मैं बात करूं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको जो कुछ भी जानना है, प्लस मैं बाकी और भी वीडियोस बना दूंगी उस पर डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ 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 कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। दिस वीडियो वॉज प्रेजेंटेड बाई मी साधना देवी चौहान। थैंक यू।